I feel you know Raji offering me this kind of a role. I was a little pehle to main thoda sa I was nervous and stuff like that, but baad mein to be part of such a beautiful film and to play Nargis Dutta is a great honor, I feel. Okay, kya matlab research kahe ki aap kuch filmein dekhi aapne Nargis Dutta ki, kis tarah se इसमें बेसिकली मैंने राजी ने मुझे दिखाया क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्रीज, तो उसको देख के मैं आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड नरगिस दत्त जी. देन प्रिया दत्त जी मुझे मिली, उन्होंने मुझे किताब दिया, तो वो उसको देख के उसे पढ़ के मुझे आई ट्राई टू अंडरस्टैंड हर स्पिरिट हर सोल दिस थिंग एंड सो दैट्स हाउ इट इज. जी नहीं नहीं किया था मैंने. आई डिड नॉट गेट दैट बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू फॉलो द डायरेक्टर्स विजन, और उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके दिया था. जो भी मुझे क्वेश्चन वगैरह पूछने थे तो आई आस्क्ड हिम. आप संजय दत्त के साथ पहले काम कर चुकी हैं, तो उनका फर्स्ट इम्प्रेशन आप पे कैसा था? मैं संजय दत्त की फ़ैन रही हूँ, तो जब मैं स्कूल में थी तो रॉकी रिलीज़ हुई थी, सो फिर उसके बाद सालों के बाद मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो आई वाज ऑलवेज इन ऑफ हिम एंड ही इज़ ऑलवेज बीन माय यू नो स्टार एंड हीरो एंड दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, यू नो समबडी दैट यू सी फ्रॉम डिस्टेंस एंड एडमायर. सो यू नो संजय दत्त के बारे में ये भी कहा जाता है कि ही हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तो क्या उन्होंने कभी आपके लिए ऐसा कुछ किया जो आपके दिल को बहुत छू गई हो बात? बेसिकली बाबा इज ऑन हार्ट, ही इज अ पर्सन हु हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, राइटली सेड. एंड द क्वालिटीज दैट आई हैव सीन इन हिम इज दैट फ्रॉम अ स्पॉट बॉय टू द लाइट मैन टू द बिग डायरेक्टर्स टू बिग एक्टर्स टू एक्ट्रेसेस हु एवर, दे एक्चुअली लव हिम बिकॉज ही इज फुल ऑफ लव एंड अफेक्शन. एंड वो ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन किसके साथ, वो कभी भी क्या कहते हैं दिमाग से कैलकुलेटिव ढंग से वो गए नहीं, दिल से गए हैं. तो मनीषा जी हाँ जी काफ़ी थी एक्चुअली. मैं फिल्मों की बहुत बड़ी फैन रही हूँ, और जब मैं छोटी थी तो मैंने मासूम देखी थी, उसमें जो यंग लोग थे उसमें काफ़ी मुझे पसंद आए थे, और शबाना आज़मी थी, शबाना आज़मी जी की मैंने अर्थ देखी, तब से मैं उनकी बहुत फ़ैन रही हुई हूँ, और काफ़ी एक्ट्रेसेस का काम देखा, एक्टरों का काम देखा, और यू नो आई जस्ट फैंटास्टिक. ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड वेरी हार्ड वर्किंग. आई थिंक ही इज़ बॉर्न फॉर जीनियस काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेज, एंड यू नो एक्टिंग इज इन हिज ब्लड. ही इज़ वेरी प्लेजेंट पर्सन टू वर्क विद बिकॉज बहुत ही अच्छे वेल बिहेव्ड एंड यू नो वेल ब्रॉट अप पर्सन यू नो लगता है यू नो. एंड आई वॉज रियली शॉक्ड व्हेन आई सॉ द रशेस ऑफ संजू. आई कुड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रणबीर कपूर एंड संजय दत्त. ही उन्होंने इतना अच्छा इतना बढ़िया काम किया सर ने. राजकुमार सर ने आपको बाद में नरगिस के रूप में हम सबके सामने लाया, लेकिन सुनील दत्त के साथ भी क्या कोलैबोरेशन थी जो आपके साथ हुई, कन्वर्सेशन हुई हो जो आपकी? बेसिकली मेरी जब फिल्म बॉम्बे रिलीज़ हुई थी तो सुनील दत्त साहब ने अपने थिएटर अजंता आर्ट्स में ट्रायल शो रखा था, और उसमें वो ही सॉ द फिल्म, और उसके बाद मुझे तुरंत फ़ोन किया था कि बेटा मैंने तुम्हारी फिल्म देखी और मुझे बहुत नरगिस दत्त जी की याद आई. तो आई फेल इट्स सच अ ग्रेट ऑनर, सच अ ग्रेट यू नो अप्रिसिएशन ऑफ माई वर्क, एंड आई वॉज वेरी वेरी थ्रिल्ड. मुझे उस वक्त ये नहीं मालूम था कि बरसों बाद मैं उनका किरदार करूंगी, नरगिस दत्त जी का कैरेक्टर मुझे करने को मिलेगा, मुझे ये नहीं मालूम. मनीषा जी ऐसे कि आपने कहा रणवीर ने बखूबी निभाया है संजय दत्त के इस किरदार को, अलग अलग फेस हो चाहे उनकी लाइफ के, आप पे अगर आपकी लाइफ पे बात बने कौन लगता है बॉलीवुड में से कौन प्ले कर आप किसे चाहोगे? अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू
मेरे लाइफ में कोई फिल्म बने, लेकिन इफ इट्स देन मे बी कंगना और मे बी आलिया, आई डोंट नो, मे बी ईदर ऑफ देम. सो वैसे तो हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है, लेकिन संजू मूवी करके आपको ऐसा लगा कि संजय दत्त और आपकी लाइफ में कुछ सिमिलैरिटी रही है? I guess the fact that we suffered, so I guess that, but I don't think there's anything similarities in that. वैसे आप कैंसर से बैटल करके जीती हैं और नरगिस जी की डेथ अनफॉर्चुनेटली उस वजह से हुई थी, तो क्या वो पार्ट वो दौरान जब आप जी रही थी तो क्या इमोशनल हो रही थी या फिर आपने जस्ट एज अ नो? एक्चुअली मैं इस रीज़न से ज़्यादा एप्रिहेंसिव थी कि मुझे वो मेमोरीज़ मुझे रीलिव नहीं करना था, और मैं जानती भी नहीं थी कि मैं वो रीलिव कर पाऊँगी या नहीं. तो मुझे इस चीज़ से थोड़ा एप्रिहेंशन था, क्योंकि एक तो राजी की फिल्मों के मैं फ़ैन रही हूँ और मेरे फेवरेट को स्टार के ऊपर फिल्म बन रही है, तो मैं आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड. बट अगेन द फियर ऑफ to relive those moment was quite strong, so I was very apprehensive because of that. तो सेट पर फिर कैसा था? नहीं, actually फिर मैंने ये सर से बोल दिया कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है सर, मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी. तो उन्होंने कहा इट्स नॉट द फिल्म डजेंट रिवॉल्व अराउंड दैट सिचुएशन, और इसमें ज़्यादा हम ड्वेल नहीं करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट. सो आई गॉट यू नो. संजू जी को भी आप कुछ जानते हो, तो पिक्चर में जो लाइफ दिखाया और संजू को आप रियल में जानते हो, कितना डिफरेंस है आपको ये सब? नहीं, ये तो रियल लाइफ के ऊपर बनी है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. आप जितना जानती हो उनको, काफ़ी उतार चढ़ाव थे, कुछ सारे कई सारे सीन जो थे हमको पब्लिक को भी नहीं पता थे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता चली होगी, तो क्या? हाँ, बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ के बारे में मुझे पता नहीं था, और इस फिल्म को जब मैंने देखा कुछ दिनों पहले, तो मुझे लगा ओ माय गॉड, यू नो, सो मच हैज़ गॉन, यू नो, सो मच हैज़ हैपेंड. तो ये सब आपको आप लोगों को भी लगेगा एक्चुअली. ऑल्सो यू आर यूनाइटिंग विद संजय दत्त इन हिज नेक्स्ट फिल्म प्रस्थानम. प्रस्थानम, सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट. Well, I was super thrilled, maha thrilled that I got to work with him again, and it's his home production, and it's a remake of a South film, and the original director is making the Hindi version as well. It's a family drama, action-packed and political family dramas, and it's a typically that kind of a mold of a film, you know, and I'm really excited about it. So did you get confused between original Sanjay and real Sanjay? Yes, I did. I absolutely did. I did not know when I saw him, Ranbir playing Sanjay Dutt. I could not really say, is it really? That's Ranbir Kapoor playing Sanjay Dutt. I thought it's so close to the reality. He's acted so beautifully. We take the last two questions first. What was the most challenging thing for you playing Nargis? Well, actually, I just wanted to, because everybody is so top notch in this movie. I just wanted to be as good as other people, and I guess that was the most challenging thing. Okay, just few days to go. Audience से कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बस सबको आप सबको बोलूँगी कि आप आए थिएटर में आए, एंड प्लीज वॉच द फिल्म. You won't go disappointed, because you know ये फिल्म आपको हंसा देगी, आपको रुला देगी, and I'm sure you'll you know leave the theater with lots in your heart. Thank you, guys. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you. Bye, all the best.